हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का सेकंड डिस्कशन, ठीक है। और ये पेपर भी 9 मार्च को हुआ था, 9 मार्च 2023। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का मतलब हुआ कि ये 11:45 से 12:45 के बीच वाला पेपर है, क्लियर, ठीक है। कल हम लोगों ने फर्स्ट वाला सेट किया था, जो सुबह 9 बजे से 10 बजे वाला पेपर होता है, वो हम लोगों ने कल कर लिया था, ठीक है। आप लोगों ने कल का डिस्कशन देखा होगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जिनका आज ये पहला डिस्कशन है, तो वो लोग कल वाला डिस्कशन भी देख लें। आज वाला देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा कल वाला, तो सारे के सारे देखते रहिए, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने CGL का डिस्कशन किया है, ठीक है। CGL के 40 सेट आपके प्लेलिस्ट में हैं, आप वो देख लीजिएगा। इसके पहले अगर आप CGL का पेपर देने जा रहे हैं तो CGL देख लीजिए, उसके बाद CHSL देंगे। जितने लोग CGL देते हैं, करीब सारे लोग CHSL भी देते हैं, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा डिस्कशन CGL वाला CHSL वाला पूरा का पूरा देख लीजिएगा, आपके पास है ऑलरेडी। जो लोग आज पहले दिन हैं, वो कल वाला डिस्कशन भी देख लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिएगा। PDF इसी डिस्कशन के साथ में अटैच्ड है, नीचे आप लिंक देख लीजिए, PDF खोल लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ जा कर के आपको डेली का डेली PDF मिल जाया करेगा, ठीक है। तो फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन, और देखते हैं कि आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले ही स्टार्ट कर दिया इन्होंने किससे, एरर से स्टार्ट कर दिया। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज। इन फिट, फिट का मतलब क्या होता है, एक दौरा पड़ता है। देखो कितना विरोधाभास है, एक तो होता है हेल्थ में कह दिया जाए फिट, तो मतलब क्या हुआ, एकदम स्वस्थ है, और मेडिकल साइंस में फिट का मतलब दौरा, और ऐसे ही हेल्थ में फिट का मतलब एकदम से फिट, तंदुरुस्त होता है, कितना फर्क है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा एंड जेलसी, ठीक है, यू वुड हैव किल्ड मी योर ब्रदर, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने एक मतलब किसमें, एक फिट में, किसमें, फ्रेंजीड रेज के चक्कर में, उसके दौरे में। तो अब बताओ भैया, फ्रेंजी और रेज तो एक ही चीज़ हो गई। फ्रेंजी क्या होता है, गुस्सा, एंगर, और रेज का मतलब ही होता है गुस्सा, तो दोनों सिमिलर हैं। गुस्साए हुए गुस्से में नहीं हुआ, या तो कह दे इन द फिट ऑफ फ्रेंजी, या तो इन द फिट ऑफ रेज, दोनों में से कोई एक काम करो। फ्रेंजी रेज दोनों एक ही बातें हैं, सुपरफ्लुअस का टॉपिक आ गया, तो फ्रेंजी और रेज में से कोई एक चीज़ रखो, क्लियर हो गई बात। तो इसमें एरर कहाँ पे होगी भैया, इसमें एरर होगी ये जो आपका चौथा वाला पोर्शन है, देखिए वहाँ पे पहला भले है लेकिन ऑप्शन में ये चौथा है, तो आप आंसर क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा, ठीक है ना, फर्स्ट मत लगाइएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट में एरर है तो आपका ऑप्शन, ये एरर फर्स्ट पार्ट में है लेकिन ये फर्स्ट पार्ट आपके ऑप्शंस में थे, चौथे नंबर पर है, तो आंसर में जो आप भरिएगा वो 4 नंबर भरिएगा, ठीक है ना, 1 नंबर ना भरिएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। इनडायरेक्ट किसका बताना, इन्होंने कहा अदिति सेठ, ठीक है। अदिति ने कहा कि आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीमोर, मैं इस प्रोजेक्ट में अब और ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सेट चूँकि पास्ट में है, इसकी इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये दैट के बाद एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और आई कौन है, अदिति है, आई की जगह सी लग जाएगा, और कनेक्टर क्या होगा, दैट होगा। इतनी बातों पर ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम को ही चेक कर लेते हैं। अभी मैंने आपसे बताया कि एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्लियर। तो ये एम को चेंज करते हैं वाज, तो देखते हैं यहाँ पर इज लिखा हुआ है, तो पहले यही खारिज कर दो, और यहाँ क्या लिखा है, हैड लिखा है, इनको भी ख़त्म कर दो, और ये डू नॉट लिखा हुआ है। तो ये तीन, उसमें जब मैं CGL का आपको डिस्कशन करा रहा था तभी मैंने बताया था कि जब आप एक्टिव से पैसिव चेक कर रहे हो या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो, सबसे पहला अटैक किस पे, वर्ब पे, मोस्ट वीक पॉइंट होता है ये, ठीक है। तो पहले अटैक करिए वर्ब पे, आपके पास एक ही वाज मिला है और आंख मूंद कर अब आप दो वाले को टिक कर दीजिए, हो गई कहानी, आगे बढ़ूँ, चलो ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, आप स्पेलिंग एरर बताओ। तो स्पेलिंग एरर एक तरफ से शुरू कर लो बच्चा, लाइट्स यहाँ पे ठीक है, फ्लिकर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। FLICKER फ्लिकर की क्या होगी, FLICKER ये होगा फ्लिकर, ठीक। अब इसमें ईडी लगा दोगे तो ईडी लगा दे, चलो लगा दे रहे हैं ईडी, ये से कन्फर्म हो गई फ्लिकर्ड, ठीक है ना, ये गलत हो गया। अब आगे आ जाओ, यहाँ लिखा है लाइट्स ठीक है, फ्लिकर्ड ये भी ठीक है, इन द बुश बिहाइंड हिम पूरा सही है, तो ये रहा आपका। अब यहाँ देख लो लाइट्स ही गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो फ्लिकर्ड ये गलत हो गया, तो बाकी सब में कोई गलती है। यहाँ देखो बुश भी गलत हो गया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हम लोगों को सब में मिल जा रही। एक गड़बड़ी मिली तब भी ऑप्शन नहीं होगा, दो तीन मिलेगी तब भी ऑप्शन नहीं होगा, तो एक गड़बड़ी मिले छोड़ दो वहीं पे। केवल सेकंड वाला ऑप्शन ऐसा है जिसके सारे वर्ड की स्पेलिंग्स सही है, तो हमारा ऑप्शन वही वाला होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, इसके बदले में आप एक वर्ड लगाइए, क्या लग सकता है। तो किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और ये ब्लड किडनी में कहाँ फिल्टर होता है, नेफ्रॉन्स में होता है। तो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। इसी नेफ्रॉन में आप लोजी जोड़ दो या लॉजिस्ट जोड़ दो, चूँकि स्पेशलिस्ट है तो लॉजिस्ट जोड़ोगे, तो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, ठीक है। क्या आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, ठीक। जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है, यहीं से वर्ड बना लिया गया। नेफ्रॉन आपके लिए रूट का काम करेगा, किडनी के लिए जब भी आप वर्ड यूज करोगे तो नेफ्रॉन रूट का काम करेगा। अब एक वर्ड बच रहा है पैथोलॉजिस्ट। पैथो का मतलब क्या होता है जी, ये जो पैथो लिखा हुआ है, पैथो मतलब होता है ना बीमारी, बीमारी का कारण होता है, ठीक। पैथो डिजीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पैथो मीन्स डिजीज, और इसी से पैथोजेन होते हैं ना, वो कीटाणु या वायरस बैक्टीरिया जो बीमारियाँ फैलाते हैं उनको पैथोजेन कहा जाता है, तो पैथो माने डिजीज। तो पैथोलॉजिस्ट कौन होगा, पैथोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो बीमारी का कारण बताता है। पैथोलॉजिस्ट कौन होगा, पैथोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट हु टेल्स अस द कॉज ऑफ डिजीज। देखो जब आप बीमार हो जाते हो या किसी तरह की कोई डिसऑर्डर आ जाता है शरीर में, तो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर आपको जांच लिख देता है, आप ब्लड की जांच करा लो, यूरिन की जांच करा लो, स्टूल की जांच करा लो, वगैरह वगैरह। तो जहां आप जांच कराने जाते हैं वो क्या होती है, पैथोलॉजी लैब होती है, तो वहां ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है, तो पैथोलॉजिस्ट हो गया। प्राइमेटोलॉजिस्ट कौन होता है, प्राइमेट से बना हुआ है वर्ड ये। प्राइमेट कौन होता है पता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जब आदिम मतलब पाषाण काल की शुरुआत होती है, उसके पहले जब हमारे पूर्वज जब बंदर थे तो उन्हें प्राइमेट कहा जाता है। तो अभी भी कहीं कहीं पर उनकी अस्थियां, कहीं उनके नाखून वाखून या कुछ इस तरह की चीज़ें अवशेष पड़ी हुई हैं, तो उसी के अध्ययन को प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। अब एक बचा है ऑब्स्टेट्रिशियन, ये क्या होता है, तो जरा मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो। ऑब्स्टेट्रिशियन होता है जच्चा बच्चा विशेषज्ञ। आप कहोगे जच्चा बच्चा क्या चीज़ होती है, जच्चा बच्चा आप किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पे देखोगे कि एक डिपार्टमेंट होता है ऑब्स्टेट्रिशियन का, ठीक है। तो जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके जब बच्चे को जन्म देने का समय आता है तो वो ऑब्स्टेट्रिशियन डिपार्टमेंट में जाते हैं। जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो यही डिलीवरी केसेस देते हैं, बच्चे के जन्म से रिलेटेड केसेस देखते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो ये सारे के सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताए थे, नेफ्रोलॉजी होगी। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहे हैं कि सेम मीनिंग मीन्स द सेम, कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग सेम होगी। स्लीक, स्लिक का मतलब क्या हो गया, स्लिक का मतलब होता है जो बहुत चिकना होता है, जिस पे सरक सकते हो, जिस पर फिसलन होती है, ये क्या हो गया, चिकना, स्मूथ, ऐसा स्लिपरी टाइप का होगा जिस पर आप फिसल सकते हो, वो होगा। तो ये मिल गया आपको, स्लिपरी टाइप का होगा ना, तो ये स्लिपरी रहा आपका आंसर। न्यू का मतलब जानते हो, आंसर ये होगा नहीं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न होती है मैथमेटिक्स में। नोवाइस का मतलब क्या होता है, नोवाइस का मतलब होता है नौ सिखिया।
ये कभी कभी एसएससी में पूछा गया है कि जब कोई आदमी किसी काम को शुरू करता है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, अ पर्सन हु बिगिंस डूइंग समथिंग ही इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ न्यू इन द प्रोफेशन, तो उसको क्या कहा जाता है, नौसिखिया, नोवाइस कहा जाता है। ठीक है, आंसर कौन सा होगा आपका, स्लिपरी होगा। स्लिपरी मतलब जो बहुत चिकना होता है, जहाँ आप सरक सकते हैं, और स्लिक का मतलब ये होता है चिकना, जहाँ फिसल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, एक एडियम दिया हुआ है, तो एडियम की क्या बतानी होगी, मीनिंग ही बतानी होती है एडियम की, और क्या। अब लिखा है असॉर्ट इन द डार्क, असॉर्ट इन द डार्क का मतलब आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। ठीक, जब कोई ये कहता है कि अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाने का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ कोई ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई मतलब जो आउटकम है वो अननोन है, क्या रिजल्ट आएगा आपको पता नहीं है। ठीक है ना, तो एक पहला ऑप्शन है रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज़ अननोन, मतलब कोई चीज़ हम रैंडमली कर देते हैं जिसका नतीजा पता नहीं होता कि क्या, मतलब अच्छा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा कुछ नहीं, बस एक तुक्का मार दिया बस। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा आंसर सही लग रहा है। अ ब्लाइंड मैंस गेम ये होगा ही नहीं, और लिखा है शूटिंग इन द नाइट ये भी नहीं होगा, लुकिंग एट द स्टार्स ये भी नहीं होगा, पर वही होगा। ठीक है, शॉट इन द डार्क का मतलब क्या हुआ, हम रैंडमली कोई काम कर बैठते हैं जिसका हमें नतीजे का पता नहीं होता, अंधेरे में तीर चलन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंधेरे में तीर चलाना। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे भैया। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा क्या है, देख लो शकल देख के लग रहा है पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा ये। चलो करते हैं, अरेंज करते हैं इसको, सेंटेंस पढ़ते हैं, स्टार्टर तो कुछ दिया नहीं हुआ, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम, फिश मतलब ये फिश फूड आइटम हो गया, फिश आर अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन, आगे लिखा हैपन टू बी फ्लोटिंग, यार हैपन के बाद तो टू बी लगता ही है, ठीक है पी के बाद क्यों ही लग जाएगा, सीधा सीधा आ गया दैट हैपन टू बी, पी के बाद क्यों, ठीक एक हो गया, दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग बाय विद स्टिंगिंग सेल्स, लिखा है फ्लोटिंग बाय ये हो गया, ये इसके साथ लगेगा विद स्टिंगिंग सेल्स, जो इसकी स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग मतलब जिसमें डंक मारते हैं, उन स्टिंगिंग सेल्स को कॉल क्या कहा जाता है, नेमाटोसाइट्स, उन स्टिंगिंग सेल्स को क्या कहा जाता है, नेमाटोसाइट्स। ठीक है, आगे लिखा कि एट नाइट एंड कैप्चर, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा है जी, एट नाइट तो टाइम बता रहे हैं, एट नाइट के बाद सीधे लगा दे एंड कैप्चर, एट नाइट दो वर्ड मिला उसी में एंड कैप्चर लगा दिया, तो इसका मतलब एंड कैप्चर के पहले भी कुछ और वर्ड रहा होगा। ठीक है, एट नाइट एंड कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन हो गया, जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, कामा लगा के बताया है, स्मॉल क्या होते हैं, ठीक है जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल, स्मॉल क्या चीज़ है, स्मॉल कोरल्स आर प्रीडेटर्स, ठीक है स्मॉल कोरल्स आर प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटिकल्स, ओहो स्टार्टिंग यहाँ से है, चलिए अब हमको मिल गया, यस से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, कोरल्स के बारे में बता रहे हैं, और पूरा का पूरा सेंटेंस कोरल के बारे में है कि वो रात में कैसे अपना शिकार करते हैं, किनका शिकार करते हैं। चलो एक बार इसको क्लियर करके आपको फिर से समझाते हैं, यहाँ से लो, कोरल्स आर प्रीडेटर्स, जो कोरल होते हैं वो शिकारी होते हैं, और दे एक्सटेंड देयर टेंटिकल्स, ये अपने टेंटिकल को बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं, कब फैलाते हैं, रात में, एट नाइट, ठीक है ना, ये अपने टेंटिकल को फैलाते हैं रात में, और एंड कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिज्म, और जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, कैसे जीव, यहाँ लिखा है टाइनी ऑर्गेनिज्म, यहाँ एग्जाम्पल दिया लाइक जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन हो गया, अब स्मॉल के साथ और किस दीजिए, तो स्मॉल के साथ क्या लगा दो, स्मॉल फिश लगा दो, ठीक है, या अदर पोटेंशियल फूड आइटम हो गया, तो ये फूड तो पकड़ रहा है ना रात में, स्मॉल देखो टाइनी ऑर्गेनिज्म में एक जू प्लैंक्टन हो गया एक, और स्मॉल के साथ फिश लगा दिया दूसरा हो गया, दूसरे पोटेंशियल फूड आइटम ये तीसरा नंबर हो गया, दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग, जो कि वहाँ पर तैर रहे होते हैं, पानी में तैर रहे होते हैं, तो पी के बाद क्यों लगा दिया हमने, तो हमारा अरेंजमेंट फिलहाल हो गया, क्या हो गया, एस के बाद आर लगा, ठीक है एस हुआ, एस के बाद आर लगा, आर के बाद पी लगा, पी के बाद क्यों लगा, पी क्यू तो पहले भी हम लोग लगा चुके हैं, क्लियर हो गया, तो एस आर पी क्यू आपका तीसरा वाला आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर
8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इम्प्रूव द अंडरलाइंड पोर्शन। ये अंडरलाइंड पार्ट आपको इम्प्रूव करना है। क्या कह रहे हैं इन्होंने, इन्होंने कहा कि सी कट्स हर हेयर्ड शॉर्ट। ओहो, हेयर में कहाँ है ईडी लगा दिया भाई, वर्ब थोड़े है वो। ये वर्ब कौन है, वर्ब है कट्स, हर के बाद आपको हेयर लगाना चाहिए था। उसने गर्मी में वो अपने बाल छोटे छोटे करवा लेती है, बस और क्या। तो सी कट्स हर हेयर, क्या होगा, हर हेयर, ऐसे होगा, सी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर। तो शॉर्ट तक हमें लेना है ना, तो हेयर और शॉर्ट लेना है, सी कट्स हर हेयर शॉर्ट, ये हो गया। ठीक है, अब क्यों नहीं हो सकता ये वाला, यहाँ देखो हेयर ही लिखा हुआ है, ये होगा नहीं, और हेयर शॉर्टेस्ट यहाँ लिख दिया है, तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, वो अपने बाल छोटे करा लेते हैं, सी कट्स हर हेयर शॉर्ट, हो गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपका ये, इसमें पूछ रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो क्लोवर, ओहो, इसी की गड़बड़ हो गई। क्लोवर की स्पेलिंग क्या होती है, सी एल ओ, देखो अब डी लग रहा होगा, ये आपको हो गया कि ये क्या हो गया, ये हो गया सी, अब अलग से लिखता हूँ एल ओ वी ई आर, क्लोवर होता है। एक पौधा होता है जिसकी पत्तियाँ जो होती है ना, वो मतलब देखे नहीं हो, देखना चाहोगे, चलो अच्छा दिखाते हैं, ये देखो देख लिया ना, चलो आगे आ जाओ। तो ये क्लोवर होता है, उसी की स्पेलिंग गड़बड़ है, डबल वी नहीं होता है, सिंगल वी होता है, सी एल ओ वी आर। और सनराइज की तो सही है स्पेलिंग, अब ये सही होगी तो यहाँ आंसर नहीं होगा, सारपेन की भी सही है गलत यहाँ होगा, हाइपेन की भी सही है तो आंसर नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा क्लोवर, जिसकी स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में खाली जगह भरना है, तो चलो लिखा है वन ऑफ हिज रूल्स, ठीक है, वन ऑफ हिज रूल्स वाज टू ऑलवेज डैश अब एंड वेट। अब भैया अवेट के साथ एंड लगा हुआ है, आगे लिखा इंस्ट्रक्शन टू इंटर, मतलब क्या हुआ, घर में प्रवेश करने का निर्देश। तो पहली बात तो ये समझ लो, सीजीएल वाले में, एमटीएस वाले में, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिन्होंने देखा होगा उनको भली भांति पता है कि जब किसी फिलर को एंड से कनेक्ट कर दिया जाता है तो अब यह क्या करना होगा, इस एंड के इस पार वाला वर्ड यहाँ कॉपी करो, ये अवेट लिखा है इसी से मिलता जुलता यहाँ होगा। ठीक है, या तो अवेट के पहले की घटना होगी, अवेट के पहले की ही होगी, क्योंकि एंड के पहले भरना है। तो कोई आदमी है, उसका एक नियम है कि वो हमेशा क्या करता है, वो डैश करता है, उसके बाद अवेट करता है अंदर आने के इंस्ट्रक्शन को। इसका मतलब हुआ कि कोई आदमी है जो किसी के दरवाजे को खटखटाता होगा, उसके बाद खटखटा के रुकता होगा, इंतज़ार करता होगा अंदर से क्या इंस्ट्रक्शन आता है, अंदर आए कि ना आए। तो ये हो गया इंतज़ार करने का। तो दरवाज़ा खटखटाने के लिए क्या लगाओगे, नॉक। तो उस आदमी की आदत है पहले नॉक करेगा, उसके बाद वेट करेगा अंदर से क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, आप दरवाजे को रजिस्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं ब्लिंक करेंगे, यहाँ पलक झपकाने का कोई मतलब नहीं, दरवाजे को रगड़ कर वेट करना थोड़े ना होता है, रब यहाँ नहीं लगेगा, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ नॉक ही मतलब इंटर, अवेट टू इंटर के पहले की जो एक्टिविटी है वो है दरवाजे को नॉक करना, तो नॉक लगाओ, क्लियर। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अब बताना है आपको अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग किसकी बतानी है, एसेसरी की बतानी है। और एसेसरी का मतलब क्या होता है, आप कभी बाइक खरीदते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं, जिससे मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, सपोज करो आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के बाद उसमें आप गार्ड लगवाते हैं और क्या क्या मतलब दुनिया भर का उसमें आप मेमोरी कार्ड लगवाते हैं और तरह तरह के लाइटें वाइटें भी उसमें आती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसका गार्ड, उसका बैक कवर और उसका जो मेमोरी कार्ड वगैरह, ये एसेसरी है ना, अनिवार्य नहीं है। इन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपके फ़ोन में है, जैसे इसका सिम कार्ड है तो सिम कंपलसरी होगा, सिम तो नेसेसरी होगा, और जो आप मेमोरी कार्ड वगैरह लगाए हो वो नेसेसरी नहीं है, वो एसेसरी है। तो एसेसरी का अपोजिट क्या होगा, एसेसरी का अपोजिट हो गया नेसेसरी, ठीक समझ गए। अब नेसेसरी के लिए कौन सा वर्ड लाओगे, एसेंशियल लाओगे, ये हमको मिल गया, क्लियर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके बदले में हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, सरप्लस मतलब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एसेसरी का एंटोनिम नेसेसरी, नेसेसरी के लिए यहाँ वर्ड मिला कौन सा, एसेंशियल मिल गया, आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें फिर आपको क्या करना है, खाली जगह भरनी है। तो ज़रा पढ़ो, लिखा है रिमेंबर दैट लिटिल सिस्टर,
अब यहाँ पे कामा लगा दिया इन्होंने सेमी कोलन, रिमेंबर दैट इट इज सिस्टर। इन्होंने कहा किसी कोई लड़की होगी छोटी होगी उसको कहा कि देखो बहन एक बात याद रखो, ठीक बात समझ बहन, क्या कह रहे हैं किसी बच्ची से कह रहे हैं कि देखो बहन एक बात याद रखो, वेट फॉर अ मैन टू डैश, एक किसी आदमी का इंतज़ार करना टू डैश योर ऑनर, डैश योर ऑनर का मतलब क्या, जो तुम्हारे मान सम्मान जो तुम्हारे ऑनर को डैश करे ऐसे आदमी का इंतज़ार करना। आगे लिखा है एंड यू विल वेट फॉर एवर, तो तुम्हें जिंदगी भर इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक फिर से एक बार समझो, किसी आदमी ने एक छोटी बच्ची से कहा कि बेटा किसी आदमी का इंतज़ार करना जो तुम्हारी मर्यादा जो तुम्हारी मान सम्मान को डैश करेगा तो तुम्हें जिंदगी भर इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, मान सम्मान को बचाने की बात आएगी, मान सम्मान का बदला लेने की बात आएगी। ठीक है, किसी ऐसे आदमी का इंतज़ार करना जो तुम्हारे मान सम्मान को बचाए या जो तुम्हारे मान सम्मान का मतलब तुम्हारी इज्जत का बदला ले। ठीक है, तो फिर ज़िंदगी भर मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि तुम अपनी मान सम्मान का बदला खुद ले लो, किसी से इंतज़ार मत करो कि वो आके तुम्हारे इज्जत का तुम्हारे मान सम्मान का बदला लेगा। तो यह क्या सुटेबल लग रहा है, अवेंज करना। ठीक है ना, तो किसी का इंतज़ार करना जो तुम्हारे मान सम्मान का बदला ले तो फिर कोई लेगा वेगा नहीं, ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करोगी। ठीक है, कम्फर्ट तो यहाँ होगा नहीं कि मतलब मैन टू कम्फर्ट योर ऑनर, तो अब कंफर्ट तो लोग दे देते हैं, आके सांत्वना तो लोग देते ही हैं, सांत्वना के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सांत्वना तो लोग मतलब मुंह से तो लोग बहुत सारी सांत्वनाएं दे देते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी भर इंतज़ार करनी पड़े, ये तो लोग ऐसे फ्री में दिया करते हैं। रिपील का मतलब क्या होता है, रिपील का मतलब होता है किसी भी कोई नियम है कानून है उसको नल अवॉइड कर, नल कर देना या उसको अवॉइड कर देना या उसको इनवैलिड अनाउंस कर देना। तो किसी जैसे कोई चीज़ है, सपोज़ करो कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवैध है ये गलत है, तो उसको क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, तो वो रिपील होता है। चीयर करना, अब यहाँ चीयर का कोई मतलब नहीं है, मान सम्मान को चीयर करने की बात नहीं है। ठीक है, तो कहने का जो सीधा सीधा मतलब था वो ये है कि किसी लड़की से ये कहना कि बेटा तुम्हारे मतलब किसी ऐसे आदमी का वेट करना कि कोई आदमी आएगा और तुम्हारे मान सम्मान का बदला लेगा तो तुम्हें सारी ज़िंदगी वेट करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे मान सम्मान का बदला लेने से। यहाँ सुटेबल कौन सा है, अवेंज लग रहा। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये 13 क्या है, 13 में आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी है, किसकी करेक्ट पैसिव वॉइस, ये लिखा है कल्चर वाज लूजिंग इट्स मीनिंग, द कल्चर वाज लूजिंग इट्स मीनिंग, तो ये वाज लूजिंग है, तो लूजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हमें करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा बीइंग, और बीइंग के साथ क्या लगाना होगा, लॉस्ट लगाना होगा, और वाज क्या होगा, वाज तो वाज ही रहेगा, तो वाज बीइंग लॉस्ट, सबसे पहले हमें ये देखना है। यहाँ लिखा है द कल्चर लॉस्ट इट्स मीनिंग, तो ये एक्टिव वॉइस हो गई ना, ये तो पैसिव वॉइस हुई ही नहीं तो गलत हो जाएगा। विल लास्ट, विल कहाँ से आ जाएगा भैया, अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है वाज के साथ है तो उसका विल कहाँ से होगा, अच्छा ये वाज के साथ लास्ट होगा तो ये बीइंग कहाँ गया, बीइंग भी तो लगना चाहिए था, तो ये तीनों ऊपर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत। अब यहाँ देखो लिखा है वाज बीइंग लॉस्ट, ये आपका आंसर सही होगा, क्लियर हो गई। फिर देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी ना कि आपको वर्ब सबसे पहले पकड़नी है, एक्टिव पैसिव करो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो, तो सबसे पहले क्या पकड़ो, वर्ब को पकड़ो, वर्ब से देख लो। अक्सर ये होता है कि एक ही आंसर सही मिलता है, अगर दो सही मिल गया तो एक स्टेप और आगे बढ़ लेना, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई, इसमें फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस क्या मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस है, तो इसके बदले में एक वर्ड लगाओ, क्या वर्ड लगाओगे, लिखा है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट मतलब क्या हुआ कि अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा देनी पड़ेगी आपको, मतलब कुछ कुछ देशों में ऐसा होता है, खासतौर से कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा है, और पहले इटली में भी ये सिस्टम था कि बच्चे की मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर होगी, पढ़ाई के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, और जब उसको देश की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको सैनिक सेवा देना ही पड़ेगा, वहाँ पूछते नहीं हैं, आपकी मर्जी नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है कंस्क्रिप्शन। ठीक, क्या कहा जाता है, कंस्क्रिप्शन कहा जाता है इसको। बाकी के वर्ड कंस्क्रिप्शन मतलब होता है कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण हो गया, अनिवार्य सैनिक सेवा कंस्क्रिप्शन, आंसर तो आपका ये चौथा वाला हो गया।
बाकी वर्ड्स देख लो, आर्मामेंट का मतलब क्या होता है? आर्मामेंट का मतलब होता है जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, गोला बारूद, ठीक है, बंदूकें उंदूकें, जहाँ पे तोपे वोपे रखी जाती हैं उसको आर्मामेंट कहते हैं, मतलब आयुध भंडार कह सकते हो उसको। एब्डिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एब्डिकेट करना, मतलब होता है जगह खाली कर देना, पद वगैरह का त्याग कर देना। और मिलिटरिस्टिक का मतलब क्या होगा? मिलिट्री से बना हुआ वर्ड है। मिलिटरिस्टिक का मतलब क्या होगा? एक ऐसा आदमी जो अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी को सपोर्ट करता है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी, मतलब आक्रामक युद्ध नीति, आक्रामक सैनिक नीति, मतलब कुछ जरा सा वो अटैक कर दो, फोड़ दो, ठीक है। तो जो इस तरह की पॉलिसी का सपोर्टर होता है उसको मिलिटरिस्टिक कहते हैं। क्लियर हो गई? ठीक है, तीन वर्ड समझ गए, आपका आंसर क्या था वो समझ गए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है आपको? एक एडियम दिया हुआ, उस एडियम की मीनिंग बताइए। तो क्या लिखा है? टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? कि मतलब जैसे होता नहीं कि आप एक नुकसान भुगतिए। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है जैसे आप कहीं किसी का भला कर रहे हो, आपका नुकसान हो जाए, कभी कभी किसी की मदद कर रहे होते हैं। इसे हिंदी में कहावत नहीं, होम करते हाथ जलते हैं, तो करीब करीब ऐसी ही बात होगी इसमें, ठीक है। तो टू हैव वंस फिंगर चॉप्ड, आइए उंगली कट गई, ये सब नहीं आएगा भाई यहाँ पे। टू एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल, मतलब आप गर्म तावा छो लिए, आपका हाथ जल गया। टू बर्न वंस फिंगर, देखो मुहावरे में बर्न वंस फिंगर है, तो यहाँ पे जलने और कटने का तो कोई मतलब फिलहाल होगा नहीं, एडियम में ये तरीका होता है। अ क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? टू सफर अ लॉस, ये नुकसान उठाना। हाँ, टू बर्न वंस फिंगर में आप नुकसान उठा रहे हैं बाय एक्टिंग रैशली, मतलब कुछ काम जल्दबाजी में कर लिए, थोड़ा रैश मतलब होता है जल्दबाजी में, उतावलेपन में, बिना ठीक से सोचे समझे कोई काम कर लिया और नुकसान हो गया, तो वही होगा टू बर्न वंस फिंगर। तो ये हो गया चौथा वाला आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15 हो गया, 16 में क्या करना है? तो बताओ मीन्स द सेम, या भी सेम मीनिंग बतानी आपको, बताना क्या है? सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज क्या वर्ड है? सैक्रिलेज होता है ना जैसे किसी पवित्र चीज़ को अपवित्र कर देना। जैसे हिंदूज में क्या होता है? मंदिर है, मंदिर में मूर्तियां हैं, उनकी रामायण महाभारत गीता है, तो ये क्या होती हैं? ये पवित्र चीज़ें होती हैं। मुस्लिम्स में मस्जिद है, कुरान पाक है, तो ये एक मतलब ये पवित्र चीज़ें, इनको अगर अपवित्र करते हैं तो उसको सैक्रिलेज कहते हैं। चर्च है, बाइबल है, इनको आप अगर अपवित्र करते हैं, इनको पोल्यूट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सैक्रिलेज कर देना, ठीक है। तो सैक्रिलेज का मतलब पवित्र चीज़ों को अपवित्र करना। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, प्रोफेन, ठीक है। क्या होता है? प्रोफेन, ये यूज किया जाता है, ठीक। तो ये प्रोफेन तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं है। ब्लास्फेमी एक वर्ड दिया हुआ है, ब्लास्फेमी का होता है, देखो सैक्रिलेज ब्लास्फेमी का एग्जैक्टली साइनोनिम नहीं है, आप मतलब समझिए। सैक्रिलेज मैंने क्या बताया? किसी पवित्र चीज़ को अपवित्र कर देना। और ब्लास्फेमी का क्या मतलब होता है? ब्लास्फेमी का मतलब होता है देवी देवताओं के बारे में अपशब्द करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हिंदूज में देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं या शिव जी हैं, उनके बारे में कुछ उल्टा सुलटा कुछ मतलब अपमानजनक बातें करना, या उनके उनका अपमान करना, उनको गाली देना, ये क्या होता है? ब्लास्फेमी होता है। ऐसे इस्लाम में हज़रत मोहम्मद साहब को कुछ बोल दिए, या क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट को कुछ बोल दिए, कुछ गलत अपशब्द बोल दिए, तो उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। ईस निंदा, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ईस निंदा, ईश्वर की निंदा कर दिया, तो ब्लास्फेमी होता है, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें यही सबसे सुटेबल है। कंसेक्रेशन दिया हुआ है एक वर्ड, तो कंसेक्रेशन देखो ये कल भी आया था, जो कल वाला डिस्कशन उन लोगों ने CHSL का फर्स्ट वाला किया था उसमें ये वर्ड था कंसेक्रेशन। तो कल वाले में मैंने बताया, जिन लोगों ने कल वाला डिस्कशन देखा होगा उनको अच्छी तरह से याद होगा, और नहीं भी याद होता तो फिर से देख लो, कल भी था आज भी था ये वर्ड, इसका मतलब ये CHSL में फेवरेट वर्ड है। तो कंसेक्रेशन का मतलब होता है ना किसी चीज़ को किसी धार्मिक संस्कार के लिए पवित्र करना। जैसे मान लो कहीं कथा वथा होने जा रही है, तो पहले वहाँ पर क्या हो, गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र किया जाता है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी स्थान को धार्मिक कार्य क्रियाकलाप के लिए पवित्र करना, वहाँ पर उसको शुद्ध करना, संस्कारित करना, उसको कंसेक्रेशन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ पुरानी है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देना, उसमें कुछ नयापन ला देना। रेवरेंस का मतलब क्या होता है? रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट या ऑनर या, ठीक है, सम्मान, ये हो गया रिस्पेक्ट हो गया, तो रेवरेंस हो गया। क्लियर हो गया? चारों वर्ड समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर
17, ठीक है, 16 हो गया, 17 में आ जाओ। 17 में फिर मींस द सेम लैगार्ड है, तो लैगार्ड का मतलब क्या होता है ना, सुस्त होता है, जैसे थोड़ा सा ढीला आलसी टाइप का जो सुस्त पर्सन होता है उसको कहते हैं लैगार्ड। तो अब ढूंढो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट मतलब बड़ा ही एनर्जेटिक, बड़ा ही उत्सुक होता है कोई का, मतलब ये सुस्त का ठीक अपोजिट समझ लो, प्रॉम्प्ट का मतलब एंटोनीम हो गया। और एक्सपेडिशस, एक्सपेडिशस का मतलब क्या होता है, जल्दबाज, मतलब वही जब कोई आदमी बिना सोचे समझे कोई काम जल्दबाजी में हड़बड़ी में फटाफट कर लेते हैं तो जल्दबाज होता है, तो ये भी एंटोनीम हो गया, प्रॉम्प्ट और एक्सपेडिशस दोनों एंटोनीम हो गए। हस्टलर, हस्टल बस्टल का मतलब भी होता है हड़बड़ी में कोई काम करना, जल्दबाजी में काम करना, तो ये भी तो एंटोनीम हो गया। तो तीन तो एंटोनीम हो गए, अब एक ऑप्शन लोगे कि नहीं लोगे। डॉडलिंग का मतलब भी होता है, डॉडल, डॉडल का मतलब होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो तो बड़ा टाइम वेस्ट करते हुए जा रहे हो, जैसे ऐसे समझ लो कि आपको कहीं जाना है, कहीं जाना है, वहाँ पहुँचने में टाइम जो लगने वाला है वो 5 मिनट लगने वाला है और आपके पास है आधे घंटे का टाइम, ठीक है, जहाँ आपको पहुँचना है वो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे और आपके पास आधे घंटे का टाइम है, तो 25 मिनट क्या करेंगे, टाइम के पहले पहुँचना भी नहीं है, तब आप कैसे जाएंगे, दो कदम चलेंगे बाएं देखेंगे, फिर दो कदम चलेंगे दाएं देखेंगे, फिर अनायास कहीं पर थोड़ी देर रुके रहेंगे, एकदम मटर कश्ती में टाइम को वेस्ट करते हुए चलना, आधे घंटे की मतलब 5 मिनट की दूरी को आधे घंटे में तय करना, तो किस तरह चलेंगे आप समझ ही रहे होंगे, तो ये होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये लैगार्ड का साइनोनिम हो जाएगा, जो टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ता है वो लैगार्ड का साइनोनिम हो गया। ये हो गया, यहीं मिला, बाकी तीनों तो एंटोनिम थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में भैया, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें देखो कुछ पर्सन अंडरलाइन किया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इसकी जगह पर क्या कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो अगर यहाँ पे कुछ गलत होगा तो इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, नहीं गलत होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ पहले क्वेश्चन ही पढ़ें, वहीं से पता चलेगा गलत है कि नहीं है। लिखा है हर्बलिज्म, हर्बलिज्म का मतलब क्या हुआ, जो हर्बल जड़ी बूटी वाला होता है। हर्बलिज्म हैड बिकम एन आल बट एक्सटिंक्ट स्किल, आल बट का मतलब क्या होता है, करीब करीब, आलमोस्ट, ठीक है, क्या होगा, आलमोस्ट या नियरली, ये समझ लो नियरली, मतलब क्या हुआ कि जो हर्बलिज्म है करीब करीब एक्सटिंक्ट स्किल है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हुआ, विलुप्त हो चुकी है, अब मतलब उसको कोई यूज नहीं करता, कहाँ, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी दुनिया में जड़ी बूटी का इस्तेमाल करीब करीब समाप्त हो चुका है, ये इनका कहने का मतलब है, ठीक। तो ग्रामर में तो कहीं कोई गलती मिली नहीं मुझे। अच्छा हैज, यहाँ पे जो हैड लगा है, यहाँ पे हैज लगाना ज़्यादा सुटेबल होता, हालांकि हैड गलत नहीं है पर हैज ज़्यादा सुटेबल होगा, एक ऑप्शन हमको हैज का मिल रहा है लेकिन हम और आगे पढ़ के तभी बता पाएंगे। हैज बिकम बट एन एक्सटेंट, तो यहाँ जो बट एन एक्सटेंट लिखा है ना ये गलत हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए था आल बट, ठीक है, आल बट को हटा नहीं पाओगे, आल बट लगेगा तभी मतलब होगा कि नियरली एक्सटेंट, ठीक है। तो ये फिलहाल यहाँ हैज को देखकर तो अच्छा लग रहा था, आगे चल के ग्रामर गलत हो गई इसलिए ये ऑप्शन नहीं लेंगे। अब यहाँ देखो लिखा है आल बट होना चाहिए, तो बट आल लगा दिया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ क्या लिखा, हैज बिकम एन एक्सटेंट स्किल, नहीं, हर्बलिज्म बिकम, तो हर्बलिज्म के साथ ये देखो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म बिकम लगा दी है, तो फिर ये गलत हो गया। मतलब जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिया था ऑप्शन में उनमें तीनों में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो फिलहाल हमें इम्प्रूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर इसको नो इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन पे चलिए, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, तो क्वेश्चन नंबर 19 रहा ये, इसमें क्या करना है भाई, इसमें भी आपको एरर करना है, ठीक है। लिखा इंडिया हैज टर्न्ड 70 ईयर्स ओल्डर एज अ रिपब्लिक, ओहो, कह रहे हैं कि आज से 70 साल पहले इंडिया गणराज्य या गणतंत्र बन गया था, ठीक है। तो 70 साल पहले, 70 यहाँ क्या लिखा, यहीं पे आप पकड़ के चलिए जरा, तो टाइम पर हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं। 70 साल पहले, तो 70 ईयर्स ओल्डर नहीं, ओल्डर का मतलब एज बताने लगोगे तो यहाँ क्या होगा, 70 ईयर्स अर्लियर, ठीक है, 70 साल पहले, तो 70 ईयर्स अर्लियर, तो कहाँ है ओल्डर, ओल्डर ये दिया है ओल्डर, तो यही वाला आपका गड़बड़ हो गया, तो क्या लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा, ठीक है। अभी आप हैज लगा सकते हैं उसमें, अब अच्छा आप लोगों में कुछ लोगों का ये मन कर रहा होगा कि यार 70 साल पहले की बात कर रहे हैं तो ये हैज क्यों लगा हुआ है, ठीक, हैज देखो बच्चा इसलिए लगा हुआ है ना कि इंडिया जब रिपब्लिक बना
तो रिपब्लिक बनना कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो उसी समय ख़त्म हो गई। 70 साल पहले इंडिया रिपब्लिक हुआ, जब गणतंत्र हम जब हमारा संविधान लागू होता है तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है, हम तभी से रिपब्लिक हो गए। तो ऐसा नहीं कि तभी से रिपब्लिक हो गए तो रिपब्लिक उस समय हुए थे और वहीं काम ख़त्म हो गया। रिपब्लिक तो हम आज भी हैं और ये चलता रहेगा। तो कोई इंसिडेंट, कोई घटना, कोई कार्य जो पास्ट में हुआ हो उसका इफेक्ट आज तक कैरी ऑन हो रहा हो तो हम पास्ट नहीं करते, उसको प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में सही है, यहाँ गड़बड़ मत करना। 70 ईयर्स अर्लियर लिखा जाएगा तो सोचो कि 70 साल पहले का, तो पास्ट कर दें, नहीं पास्ट नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। और गड़बड़ी कहाँ है? ओल्डर में गड़बड़ी है, आपका आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक, समझ में आ गई ना बात? आगे बढ़ो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है? फिर इम्प्रूवमेंट की बात, देखो ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें इम्प्रूवमेंट ढूंढो आप। तो इसके पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। चलो स्टेटमेंट पढ़ो और देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। लिखा द गवर्नमेंट हैज़ बीन बिल्डिंग मोर स्कूल्स, तो सरकार और स्कूल बना रही है, इसमें तो कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, गड़बड़ नज़र क्या आएगा, वहाँ तो अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ, तो खास गड़बड़ मिलेगी। आगे लिखा है टू प्रोवाइडेड एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो भैया वर्ब फॉर्म जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक वीडियो होगा, अगर आपको वर्ब को लेकर के कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने एक वीडियो बनाया था वर्ब फॉर्म्स, तो 2-2 लेक्चर हैं उसमें और 3-4 प्रैक्टिस सेट हैं, तो 4-5 वीडियो हैं। आपको 2 वीडियो जिसमें लेक्चर है, जिसमें मैंने रूल समझाया, वो देखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि टू के बाद क्या लगता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती हैं, अभी यहाँ टाइम नहीं है उसको बताने का। 20-25 कंडीशंस हैं, वो मैंने लिखा दी थी और समझाई थी। अब ये समझ लीजिए कि टू के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ देखो टू के बाद क्या लगा हुआ है, प्रोवाइडेड लगा हुआ है, तो फिलहाल ये तो नहीं लग सकता। अब क्या करेंगे आप, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो यहाँ क्या लिखा है, टू प्रोवाइड एजुकेशन, हाँ ये भी नहीं होगा, गलत हो गया, ये एजुकेशनली लगा दिया तो गलत हो गया, और टू के बाद प्रोवाइडिंग होगा नहीं, तो ये लिखा टू प्रोवाइड एजुकेशन एट, ये चौथा वाला हो जाएगा, टू प्रोवाइड के बाद एजुकेशन लगना चाहिए, तो आपका आंसर 4 हो गया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ लूँ? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक, तो 21 से लेकर के 25 तक में भैया होता क्या है, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें 4-5 खाली जगह होंगी, उनकी जगह पर सुटेबल क्या लगेगा वही लगाना है। ठीक है, चलें, तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो ये देखो, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, एक पैराग्राफ है, उसमें देखो 5 जगह है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये खाली है, इनकी जगह पे देखो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये इनमें से क्या लगेगा। ठीक, तो चलो आ जाओ करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। और ये रहा, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इन अ न्यू स्टडी डैश इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर, आगे लिखा है कि वी हैव नाउ डैश नाउ सोन दैट इन 2001 डैश एक्सपेक्टेंसी रिबाउंडेड समवॉट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब देखो यहाँ लिखा है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और फिर यहाँ कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोप, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ उल्टा चलेगा। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या, अपोजिट जाने वाला, व्हाइल लगा सकते हो, वेयर एज लगा सकते हो, बट लगा सकते हो, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, ये सब इस तरह के कुछ वर्ड लगेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर से तो छोड़ ही दिया, बात ही नहीं की। यहाँ क्या लिखा, इन अ न्यू स्टडी डैश इन इस मैगजीन, ये मैगजीन का नाम है, इस मैगजीन में एक नई स्टडी क्या है, छपी है। ठीक है, प्रकाशित हुई है, छपी है, तो कुछ इस तरह का वर्ड यहाँ पर आएगा। ये डैश एक्सपेक्टेंसी, अब किसकी एक्सपेक्टेंसी होती है, प्रत्याशा किसकी होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ का वर्ड फिक्स है, वही लगेगा, लाइफ, लाइफ के सिवा कुछ नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेंसी इसी की होती है। तो ये तो तय हो गया। यहाँ मैंने कहा था, कह रहे हैं कि जो मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर ये पुरानी वाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिबाउंड कर ली गई है, जबकि ईस्टर्न यूरोप में क्या है, सिचुएशन अभी ख़राब है। ठीक, ये हो गया। आगे इन्होंने कहा हाउएवर इन नॉर्वे, नॉर्वे एक कंट्री है, इन्होंने कहा कि केवल नॉर्वे में डैश इट्स प्री पैंडमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये देखो एक्सपेक्टेंसी लिखा हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिल गया आपको, क्लू भी मिल गया।
मैंने बताया था कि जब किसी सेंस में राइटर ने जो वर्ड यूज किया है क्लोज टेस्ट में, आप उसी सेंस में दूसरी जगह पर वही वर्ड यूज करेंगे। और यहाँ एक्सपेक्टेंसी के साथ क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ एक्सपेक्टेंसी के साथ लाइफ लगा है कि नहीं लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ पर क्या लगाएंगे, वही लाइफ लगाएंगे। ठीक, 2021 में आगे लिखा है एंड एवरीवेयर इज वर्स ऑफ देन वर्स ऑफ, मतलब और बाकी हर जगह क्या है, वर्स ऑफ मतलब और बदतर सिचुएशन है देन इट वुड डैश हैव बीन विदाउट अ पेंडेमिक। मतलब इन्होंने कहा कि उस बदतर कंडीशन है, मतलब जो कि ना होती, ठीक है ना, अगर पैंडमिक जो कोरोना आया था, कोरोना 2021 का लगा था, अगर वो मतलब विदाउट पैंडमिक अगर वो ना आया होता तो कंडीशंस बेहतर होती और अच्छी होती। ठीक है, अब आओ भरो इसको एक तरफ से। सबसे पहले वाले में क्या हुआ कि एक न्यू स्टडी इस मैगजीन में क्या की गई है, पब्लिश की गई है कि स्टैब्लिश की गई है कि सराउंड की गई है कि रजिस्टर्ड की गई है। तो स्टडी क्या होती है भैया, मैगजीन में पब्लिश की जाती है, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ें, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। ठीक, तो नेक्स्ट वाले में ये देखो फेलर नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या मैंने कहा था, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिक्स लगाया, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगा, बाकी और की किसी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखो नीचे यहाँ पर वही चीज़ लिखी ही हुई है। ठीक है, और पूरे पैराग्राफ में उसी की चर्चा भी हुई है। आगे बढ़ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 में थर्ड फिलर है, ये वाला दिया इन्होंने। तो अब देखो वही बात हुई थी ना, इन्होंने कहा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 2021 में क्या हुआ था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीबाउंडेड समवाट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इसको रिबाउंड कर लिया गया। अब ईस्टर्न यूरोप में क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा जा रहा है, तो हमें क्या करना है, जो ऐसा कंजंक्शन लगाना है जो विरोध जताए, तो विरोध जताने वाला कंजंक्शन बिहाइंड तो होगा नहीं, ना एज होगा, ना सा होगा, क्या होगा, वाइल होगा। ठीक, वाइल या वेयर है, जबकि वो उल्टा जा रहे हैं, जब तो जबकि लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें जबकि लग गया। आगे आ जाओ 24 में, तो 24 वाले में फिलर नंबर 4, यहाँ क्या लगाओगे आप, ठीक है बताओ, नॉर्वे। इन्होंने कहा कि हाउएवर नॉर्वे, हालांकि जो ईस्टर्न, अब हाउएवर गया ना यहाँ पे, देखो ईस्टर्न में कंडीशन ख़राब थी, अब हाउएवर लगा दिया तो इसका मतलब ईस्टर्न में जो कंडीशन ख़राब थी उसका उल्टा नॉर्वे में हो रहा है। ठीक है, नॉर्वे भी ईस्टर्न यूरोप का कंट्री है ना, एकदम ध्रुवों के पोल के पास है, नॉर्थ पोल के पास में, तो नॉर्वे में उसका उल्टा हुआ। तो नॉर्वे में क्या कह रहे हैं, नॉर्वे में डैश इट्स प्री पैंडमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2000, तो पैंडमिक के पहले, ठीक, पैंडमिक के पहले जो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उसको भी बीट कर दिया नॉर्वे ने 2021 में। ये 2021 कौन सा दौर है याद करो, आप लोगों को याद होगा 2021 में वो मतलब इतनी तबाही मची हुई थी कि मतलब इतनी डेथ हुई थी जिसे कोई हद नहीं। उस 2021 में नॉर्वे ने अपने पैंडमिक के पहले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या करो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, बीट्स लगाओ। ठीक है, अब क्लब्स या और लिफ्ट्स और प्रॉप्स नहीं होगा, क्या लगेगा, पुराने मतलब कोरोना के पहले के लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया इसने, तो बीट लगा। अब आ जाओ नंबर 5 पे। ठीक है, तो ये लो यहाँ पे क्या लगाओगे, इन्होंने कहा कि एंड एवरीवेयर मतलब और जगहों पे, एवरीवेयर इज वर्स ऑफ, ठीक है, और सब जगहों पे क्या है, सिचुएशन खराब है, देन उससे भी ज़्यादा, देन इट वुड डैश हैव बीन विदाउट पैंडमिक, तो यहाँ क्या लगाओगे, संभावना के लिए लगा रहे हैं ना, कि पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाओगे, नाइसली, नो ब्लंटली, मतलब एट रैंडम में बिल्कुल नहीं होगा, ब्लंटली भी नहीं होगा, शॉर्टली भी नहीं होगा, क्या होगा, पॉसिबिलिटी के लिए आप लगाएंगे लाइकली, प्रोबेबली, पॉसिबली, या लाइकली, या मे बी, या परहैप्स, ऐसा कुछ लगाया होता तो लाइकली संभावना के लिए लगेगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हो गया इस वाले फिलर के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कितने कर लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए, किसका, सेट 2 का है ये, तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो कल का सेशन आप लोगों ने देखा होगा, आज का सेशन आप लोगों ने देखा, ये दोनों सेशन देखने के बाद अब आप हमको बताइए कि ये जो सेशन चल रहा है इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो लोग स्पेशली CHSL ही देना चाह रहे हैं उसी CHSL देखें, ये कोर्स शुरू करें। हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
मैं बार बार ये कहता हूँ, हालांकि आप लोग राय देते नहीं हैं, बहुत कम लोग देते हैं। हाँ, जिन लोगों ने राय दी है तो उनको पता होगा कि बाद में मैंने उनकी राय को फॉलो भी किया है। ऐसा नहीं है, मैं फर्जी में राय नहीं मांगता। अगर आप राय देते हो और वो मुझे काम के लगे कि मैं उस राय को फॉलो ज़रूर करूँगा और आपको ये दिखाई भी पड़ेगा, इसलिए आप राय दीजिए। अगर आपको कुछ स्पेशल चीज़ की डिमांड हो तो वो हमको लिख के भेजिए, तो वो हम आपको करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ ही रहा होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग डिस्कशन थर्ड के साथ कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।